हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन शुगर बेबी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे त्यांग जेके को कॉलेज छोड़ने के लिए आए हैं। जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उन दोनों की शादी होने वाले हैं बहुत जल्द। जेके इसी की तो इंतज़ार कर रहे हैं। त्यांग उसको बोलते हैं, मनी बॉय तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। जेके कहते हैं, हाँ मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। लेकिन त्यांग बोलते हैं, क्या सोच रहे हो तुम, मुझे बताना चाहोगे। जेके बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ करते क्यों नहीं हो। हाँ, त्यांग कहते हैं, नॉटी बॉय हमेशा ये सारी बातों को लेकर क्यों सोचते रहते हो। जेके बोलते हैं, मैं इस बारे में क्यों ना सोचूं, आखिर में हम दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता है मेरी उम्र ही ऐसा है, ये सब कुछ चीज़ों के बारे में अगर नहीं सोचूंगा तो क्या सोचूंगा। मेरे दोस्तों ने तो अभी तक कितना कुछ कर लिया है। त्यांग कहते हैं, क्या तुम्हारे दोस्तों की उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र की ही है ना, तो फिर वो लोगों ने ये सब कुछ कर लिया है क्या, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। जेके तुम उन लोगों के साथ बात मत करना, ठीक है, वो लोग अच्छे नहीं हैं। जेके बोलते हैं, अब छोड़ो भैया इन सारी बातों को, आपके जैसा थोड़ी सब लोग हैं, सब अपने प्यार के साथ कितना कुछ करते हैं, और आप अब तो मुझे कुछ नहीं करते हो। जेके की बात सुनकर त्यांग कहते हैं, मनी बॉय तुम शायद भूल गए हो कि हमने लास्ट नाइट को ही किस किया था। जेके बोलते हैं, सिर्फ किस ही किया था और कुछ नहीं, तो आप उसके बारे में बोली ही मत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इतने लंबे किस के बाद फिर हम दोनों ने कुछ नहीं किया है। हाउ बोरिंग। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें इतना एक्साइटेड फील हो रहा है ये सब कुछ करने के लिए। जेके बोलते हैं, हाँ मेरा मन है। त्यांग कहते हैं, आप कॉलेज आ गए हो, जाओ कॉलेज में जाओ और अच्छी तरह से स्टडी करो, ठीक है, इन सारी बातों को लेकर ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है जेके, और ऐसे भी तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत करीब है, तुम एग्ज़ाम ख़त्म कर लो, उसके बाद हम दोनों की शादी ऐसे भी बहुत जल्द होने वाले हैं, उसके बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस टाइम पे तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता है क्या। जेके कहते हैं, आपको क्या लगता है मैं स्टडी के लिए मरे जा रही हूँ क्या, मुझे स्टडी अच्छा नहीं लगता है। त्यांग कहते हैं, तो फिर ठीक है। जेके को ऐसा लगता है कि त्यांग बोल रहे हैं कि उसके साथ वो सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन त्यांग जो बोलते हैं इससे तो जेके बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। त्यांग कहते हैं, जेके तुमने अगर स्टडी में अच्छे रिजल्ट नहीं किया। जेके बीच में ही रोकते हुए बोलते हैं, क्या इसका मतलब, क्या क्या बोलने वाले हो, क्या आप मेरे साथ शादी नहीं करोगे। त्यांग कहते हैं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, शादी ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करूँगा, लेकिन हाँ तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करूँगा जिसको करने के लिए तुम मरे जा रहे हो, आप समझे। जेके बोलते हैं, हाउ रूड, आप इतना रूडली बात कैसे कर लेते हो, आपको बुरा नहीं लगता है क्या। मेरे लिए अच्छे रिजल्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्या से पास से काम चलेगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें अच्छे गेट मार्क लाना है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है हम दोनों के बीच में। जेके उसको मुंह बना के दिखाते हैं और त्यांग बोलते हैं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। जेके बोलते हैं, नहीं आप बहुत रूड लग रहे हो। त्यांग मुस्कुराता है कि इसका क्या मतलब, मैं रूड लग रहा हूँ लेकिन तुम तो क्यूट लग रहे हो। लेकिन जेके बोलते हैं, आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। त्यांग कहते हैं, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कॉलेज ख़त्म होने से पहले आ जाऊँगा। जेके बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आपको आने की। त्यांग कहते हैं, तो फिर ठीक है चलते हैं, और फिर यहाँ से जाने लगते हैं। जेके उसको रोकने के लिए कोशिश तो करते हैं लेकिन उसको रोकने के बारे में बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो उससे नाराज़ है। त्यांग भी उसको मुड़ के नहीं देखते हैं, वो कार पे बैठ जाते हैं। जेके को लगता है कि त्यांग ने उसको मुड़ के देखा भी नहीं, इसका क्या मतलब, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं क्या, क्या सच में वो मुझसे नाराज़ हो गया क्योंकि मैंने उन्हें आने के लिए मना कर दिया है कॉलेज पे।
सच में वो नहीं आएगा क्या? मुझे मुड़ के क्यों नहीं देख रहे हैं? और फिर जे के बोलते, ठीक है मैं भी नहीं देखूंगा। और फिर वो अंदर जाने लगते हैं कॉलेज के अंदर। तो त्यांग कार से बैठकर देख रहे थे कि जे के कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और उसको मुड़ मुड़ के देख रहे थे। त्यांग मुस्कुराता है और बोलते हैं, बनी बॉय तुम्हारे कॉलेज ख़त्म होने से पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और हम दोनों साथ में बहुत मस्ती करने वाले हैं। ये सारी बातें वो कार में बैठ के बोल रहे थे खुद से ही। और फिर यहाँ से जाने लगते हैं। जे के दोबारा से दौड़ के आते हैं बाहर कि त्यांग कहीं चला तो नहीं गया। वो उसको ये बोलने के लिए आए थे कि आप मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाना, लेकिन वो देखते हैं त्यांग यहाँ से चला गया। तो फिर जे के उसको ये बात नहीं बोल पाया कि मुझे कॉलेज लेने के लिए आ जाना। बोलते हैं, ठीक है वो चला गया तो मैं क्या करूँ? क्या मैं उनको कॉल करके बोल दूँ मुझे पिक करने के लिए? लेकिन कॉलेज की बेल बज जाते हैं। तो जे के बोलते हैं, आप छोड़ो भी, ऐसे भी मैंने उनको मना कर दिया है। आप कॉल करने से अच्छा है कि मैं क्लास अटेंड करूँ, वरना उनको लगेगा कि मैं उनको ज़्यादा भाव दे रही हूँ। कॉलेज की क्लास शुरू हो चुके हैं। क्लास में टीचर एंटर करते हैं। सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से क्लास को अटेंड कर रहे थे सिवाय जेके की। वो किसी और सोच में डूबा हुआ था। टीचर जेके को कहते हैं, जेके क्या तुम्हें एक क्वेश्चन आता है? तो जेके उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो तो किसी और ही दुनिया में खो गए थे। टीचर ने दो बार कहा फिर भी वो नहीं सुना। तीसरी बार टीचर ने बहुत ही शाउटली कहा, जेके तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? तुम कब से बहरा हो गए हो? मुझे लगता है तुम्हें सुनाई देना बंद हो गए हैं। मैंने तुमसे कब से पूछ रहा हूँ कि एक क्वेश्चन तुम्हें आता है क्या? तुम ऐसे भी स्टडी में ध्यान नहीं देते हो, और आजकल तो तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आखिर में तुम्हारा ध्यान किस पे है? तो साइड से कोई बोलते हैं, वो जेके की शादी तय हो गए है ना टीचर, तो शायद वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहे हैं। टीचर बोलते हैं, इस उम्र में शादी? और अगर तुम्हें शादी करना ही है और पढ़ाई नहीं करना है तो कॉलेज क्यों आए? उसको बहुत बातें सुना देते हैं जिससे जेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर जेके मन में बोलते हैं, आपने ये अच्छा नहीं किया है, सबके सामने मुझे इतनी बात सुनाने की क्या ज़रूरत था? आप देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। जेके टीचर को पनिशमेंट देने के लिए टीचर की चेयर पे चिंगम लगा देते हैं। टीचर जब बैठते हैं तो उसकी पैंट पे चिंगम लग जाते हैं। और सब लोग जब टीचर जा रहे थे, देखते ही टीचर चेयर से उठ नहीं पा रहे थे, तो सब लोग हंसते रहते हैं और सब लोग टीचर की मजाक उड़ा रहे थे, जिसे टीचर बहुत ज़्यादा शेम फील करते हैं। और वो समझ जाते हैं कि ये किसी और ने नहीं किया है, ये जेके ने किया है। जेके को बोलते हैं, जेके तुमने अच्छा नहीं किया है, बहुत बुरा किया है। आखिर में तुम इतना नॉटी क्यों हो? हमेशा तुम ऐसा ही करते रहते हो। तुम बास कब आने वाले हो? तुम कल अपनी ब्रदर को साथ में लेकर आना। जेके बोलते हैं, वो नहीं आ पाएंगे, वो बिजी है। टीचर कहते हैं, तुम अपनी ब्रदर इन लॉ युंगी को साथ में लेकर आना, क्योंकि वो ही तुम्हें अच्छी तरह से पनिशमेंट दे पाएगा। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से पनिशमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि तुम इतना नॉटी हो। फिर भी जब भी मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ मुझे ही बहुत बुरा लगता है। तो जेके बोलते हैं, आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो क्या टीचर? टीचर बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं शरारत बच्चे, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता हूँ, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया है, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जेके बोलते हैं, तो आपने भी तो सही नहीं किया है ना टीचर, आप मुझे सबके सामने इतनी बात सुनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं मैं अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करूँगा। देखना इस बार मैं बहुत अच्छा रिजल्ट करूँगा और सबको दिखा दूँगा। टीचर कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम, आर यू सीरियस? जेके बोलते हैं, हाँ टीचर। तो टीचर बोलते हैं, ठीक है तुम्हारे ब्रदर को साथ में लाने की ज़रूरत नहीं, तुम अगर सच में अच्छे से रिजल्ट करते हो तो मुझसे खुशी कोई और नहीं होंगे, क्योंकि तुम मेरे फेवरेट हो। एक स्टूडेंट बोलते हैं, एक कैसी बात है टीचर, वो इतना नॉटी है, आपके साथ कितना बुरा किया फिर भी आप उसको बोल रहे हो कि वो आपकी फेवरेट है। टीचर कहते हैं, तुम लोग को तो पता ही है
क्लास में सबसे ज़्यादा जो बच्चा नॉटी होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा टीचर की फेवरेट होते हैं। अगर वो एक दिन कॉलेज नहीं आते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, टीचर सबसे ज़्यादा उसी को ही मिस करते हैं। वैसे ही हालात मेरी भी है। टीचर की बात सुन के जेके थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं कि टीचर उसको मिस करते हैं। इसका मतलब जब वो कॉलेज नहीं आते हैं, वो कितना चाहे शरारत क्यों ना करे, टीचर उसको पसंद करते हैं। उसको सुन के अच्छा लगा कि चलो, मैं तो सोच रहा था कि सब लोग मुझसे नफरत करते हैं और टीचर तो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इस बात को त्यांग के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि त्यांग नहीं आने वाले हैं। फिर से वो बहुत सैड हो जाते हैं। टीचर बोलते हैं, जेके क्या हुआ, तुम दोबारा से सैड क्यों हो गए हो, मैंने तुम्हें डांटा थोड़ी है, चलो अब अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ठीक है। जेके बोलते हैं, ठीक है टीचर, आई एम सॉरी कि मैंने आपके साथ ये सब कुछ किया है, मैं दोबारा से ये सब कुछ नहीं करूँगा। टीचर कहते हैं, सच बोल रहे हो ना। जेके बोलते हैं, प्रॉमिस, मैं आपसे आपको अच्छा बच्चा बन के दिखाऊँगा, ठीक है, आई एम ए गुड बॉय। लेकिन टीचर बोलते हैं, नहीं, यू आर ए बैड बॉय, और तुम बैड बॉय ही अच्छा हो। सबके साथ मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी को चोट मत पहुँचाना, ठीक है। जेके बोलते हैं, ठीक है टीचर। तो टीचर क्लास से चले जाते हैं। अब पूरी क्लास ख़त्म हो जाने के बाद जब कॉलेज छुट्टी हो जाते हैं, सब लोग जाने लगते हैं। जेके बोलते हैं, मेरा तो बाहर इंतज़ार कोई करने वाले थे, लेकिन मैंने मना कर दिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं इतनी जल्दी बाहर जाके क्या करूँगा। तो वो धीरे धीरे से बैग लेते हैं, एक पैर आगे बढ़ाते हैं और दोबारा से पीछे जाते हैं और दोबारा से आगे बढ़ते हैं, ऐसा कर रहे थे। हमारा त्यांग CEO वो तो अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। जब ऑफिस से निकालने वाले थे, मैनेजर ने कहा, बॉस आप कहाँ जा रहे हो। त्यांग ने कहा, लेकिन क्यों क्यों पूछ रहे हो, क्या मैं तुम्हें बता कर जाऊँगा यहाँ से। मैनेजर कहते, सॉरी आपको बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक मीटिंग दोबारा से आ गए है। अगर आप चाहते हैं क्या हम आज के लिए इस मीटिंग को रख दें। त्यांग कहते, नहीं आज के लिए कोई मीटिंग मत रखना, क्योंकि मैं अब ऑफिस नहीं आने वाला हूँ, आज मुझे कुछ काम है। मैनेजर कहते हैं, ठीक है बॉस, तो फिर आप जा सकते हो। त्यांग बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें पूछ के जाऊँगा। मैनेजर कहते हैं, बॉस आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, आई एम सो सॉरी, दोबारा से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो भी ठीक है, आपसे बाद में बात करते हैं। त्यांग बोलते हैं, रुक जाओ, मैंने तुम्हारे साथ इस तरह से रूड बिहेवियर किया, इसलिए मैं भी तुमसे सॉरी कहता हूँ, वो मुझे लेट हो रहे हैं, मुझे मेरी फियोंसे को पिक करने के लिए जाना था, लेकिन मैं लेट हो गया, उसकी गुस्सा मैं तुम पर निकाल दिया। मैनेजर ने कहा, कोई बात नहीं बॉस, आप ध्यान से जाना, ठीक है। त्यांग कहते हैं, ठीक है, और फिर वो यहाँ से जाने लगते हैं। वो बहुत ही स्पीड से कार चलाते हैं, उसको लगता है कि जेके तो बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। फिर त्यांग को याद आते हैं कि नहीं, जेके तो उसका इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि जेके ने उसको आने के लिए मना कर दिया है और त्यांग ने भी कहा, ठीक है मैं नहीं आऊँगा। कहीं जेके घर तो नहीं चला गया ना। त्यांग और भी ज़्यादा स्पीडली कार चलाते हैं। त्यांग पहुँच भी गए थे, लेकिन वो देखते हैं जेके बाहर नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि जेके शायद चला गया। वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और कार के सामने ही खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या फ़ायदा, मैं तो लेट हो गया मेरी बानी बॉय को लेने के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, शायद वो चला गया है। और यही बात बोल के त्यांग कार पे बैठने वाले थे कि त्यांग देखते हैं कि जेके आ रहा है, वो भी बहुत ही स्लो स्लो। तो त्यांग बोलते हैं, जेके तुम इतना स्लो क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारे पैर में दर्द है। जेके कहते हैं, नहीं वो मैं सोच रहा था कि आप नहीं आने वाले हो, इसलिए मैं थोड़ा सा सैड था। त्यांग कहते हैं, तुम मुझे मिस कर रहे थे। जेके कहते हैं, हाँ मैं आपको ये बात बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको मिस कर रहा था, मैंने आज पूरी क्लास पे आपके बारे में ही सोच रहा था। फिर वो क्लास पे जो कुछ भी हुआ है त्यांग को बताते हैं। त्यांग खुश होकर जेके को टाइटली हक कर लेते हैं कि क्या मेरा बनी बॉय पूरी क्लास पे मुझे मिस किया है,
इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे तुम मुझे? जेके बोलते हैं, हाँ पता नहीं इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रहा था, लेकिन सिर्फ आपके बारे में सोचा जा रहा था। तो त्यांग कहते हैं, ठीक है अब चलो हम दोनों किसी अच्छे से शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ठीक है, और तुम्हें कुछ खरीद कर देते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? जेके बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्यांग कहते हैं, सच में? तो फिर ठीक है। जेके बोलते हैं, सिर्फ इतना सा ही, एक बार पूछा उसके बाद बोल रहे हो कि ठीक है। त्यांग बोलते हैं, मुझे लगा तुम शायद कुछ खरीदना नहीं चाहते हो, इसलिए मैंने कहा ठीक है। जेके बोलते हैं, हाउ रूड, मैंने सोचा था आप मुझे दोबारा से पूछने वाले हो लेकिन आपने नहीं पूछा। त्यांग कहते हैं, ठीक है बनी बॉय, मैं तुमसे दोबारा से पूछता हूँ, तुम क्या खरीदना चाहते हो? क्या शॉपिंग मॉल चले? जेके कहते हैं, ठीक है मुझे कुछ वीडियो गेम्स खरीदना है। त्यांग कहते हैं, तुम उस क्रेडिट कार्ड को नहीं यूज़ किया है? क्योंकि मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आए हैं, अगर तुम उसको यूज़ करते तो मेरे पास तो मैसेज आते ना, लेकिन नहीं आया। तुमने उसको यूज़ क्यों नहीं किया? जेके बोलते हैं, वो मैंने सोचा कि मैं इसको बाद में यूज़ कर लूँगा, पहले आपके पास जो पैसे हैं उसको पहले खर्च करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करूँगा। त्यांग मुस्करा के बोलते हैं, बनी बॉय तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। जेके बोलते हैं, होना ही पड़ेगा, अगर क्लेवर नहीं होगा तो इस दुनिया में सब लोग मुझे ठगते रहेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। मुझे किसी से हारना नहीं है, मुझे हर चीज़ में जीतना है। त्यांग कहते हैं, इसका क्या मतलब? क्या तुम मुझे जीतना नहीं चाहते हो या सिर्फ मेरे पैसे से? जेके उसको किस कर लेते हैं, कॉलेज के सामने खड़ी होकर त्यांग को किस कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ स्टूडेंट उन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं और बोलते हैं, सो रोमांटिक, ये दोनों साथ में कितना रोमांटिक लग रहा है, जेके की किस्मत कितने अच्छे हैं, उसके पास इतना रिच हस्बैंड होने वाले हैं। देखा उन्होंने क्या कहा कि जेके को क्रेडिट कार्ड दिया है, उसके बावजूद भी वो खुद की पैसों से उसको शॉपिंग कराने वाले हैं। जेके उसको कोई भी ध्यान नहीं है, वो त्यांग को किस किए जा रहे थे। जेके को त्यांग अपने आप से अलग करते हैं और बोलते हैं, मनी बॉय हम तुम्हारी कॉलेज के सामने हैं, ये सब कुछ करना ठीक नहीं, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जेके बोलते हैं, वो मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर आपको किस कर लिया। त्यांग कहते हैं, कोई बात नहीं। सो गाइस इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।